एम्स रायपुर यहाँ के कैंपस टूर का वीडियो बनाने का मेरा मन तब से है जब से मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज तब मुझे इस कैंपस के बारे में कुछ खास डिटेल नहीं मिल पाई थी। ये है एम्स रायपुर, द ड्रीम कॉलेज ऑफ मैनी नीट एस्पिरेंट्स। चलो कॉलेज के अंदर चलते हैं। हमारी कॉलेज की जो बेस्ट चीज़ है ना, वो है यहाँ की क्लीनलीनेस। डेट्स वाई एम्स रायपुर को कायाकल्प से 50 लाख का कैश प्राइज भी मिला है। एक बात बताता हूँ, हमारे कॉलेज में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन क्या ही करूँ, आपको कैंपस टूर का वीडियो भी देना है। तो गाइज आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ग्राउंड फ्लोर में है हमारी कॉलेज कैंटीन, और ये जो देख रहे हैं ये है हमारा जिम। यार कॉलेज का स्ट्रक्चर सारी फ्लोर्स में सिमिलर ही है, तो सारी फ्लोर्स ऐसी ही दिखती हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में है LT2, और ये है हमारा लेक्चर थिएटर जहां हमारी क्लासेस लगती हैं। तो चलो आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ। सेकेंड फ्लोर में ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। हमारी लाइब्रेरी 3 फ्लोर्स की है। पहले मुझे लगता था कि यहाँ ओनली मेडिकल फील्ड्स की बुक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिटरेचर, फिक्शनल, सेल्फ हेल्प बुक्स, सिविल सर्विसेज एंड अदर टाइप्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये हमारा एग्जाम हॉल है। सेकेंड फ्लोर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी है। ये वो एरिया है जहाँ हम लोग कॉलेज में एडमिशन के टाइम में कलेक्ट होते हैं। चलो मैं आपको यहाँ से बाहर का सीन दिखाता हूँ। गाइज ये है हमारा कॉलेज, और कॉलेज के बाद यहाँ पर है हमारा ऑडिटोरियम। ये जो दिख रहा है ना सामने, ये है हमारा ऑडी, और ये इस तरफ है ये गेट नंबर 5 जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो चलो हम ऑडी के अंदर चलते हैं। अंदर से हमारा ऑडी कुछ ऐसा दिखता है। गाइज ये ऑडिटोरियम का साइड डोर है, यहाँ से भी हम लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है। और सामने को जो दिख रहा है वो हॉस्पिटल है। गाइज ये पार्किंग एरिया है। गाइज आपको वो जो दिख रहा है वहाँ सामने, वो गेट नंबर 4 है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, ठीक है। फिर ये है हॉस्पिटल, पूरी ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, देन वो डी ब्लॉक। फिर उसके बाद वो जो दिख रहे हैं वो सारे हॉस्टल्स हैं। ये है नर्सिंग कॉलेज, ये है हमारा मेडिकल कॉलेज। गाइज वो जो सामने दिख रहा है ये इमरजेंसी है, ठीक है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी। मतलब अगर आप इधर से एंटर करते हो तो यहाँ पास ए ब्लॉक जाने का रास्ता है, वहाँ पे ए ब्लॉक, देन ये ट्रॉमा एंड इमरजेंसी है। गाइस ये गेट नंबर 2 है, और यहीं से आप कोई इधर आ सकते हैं। तो ये ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, ये है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी। पर सारी ब्लॉक से ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ऑक्सीजन यार्ड भी है, ठीक है। और गाइस ये है अमृत फार्मेसी, तो जैसे मेडिसिन वगैरह जो भी चाहिए होती है आपको, तो यहीं से सब ले सकते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आप जाएंगे तो जैसे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एमएस ऑफिस भी है, और यहाँ पर मॉर्चुरी है, इस साइड जाएंगे तो एमएस ऑफिस है, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो है ये फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और इसी के बाद जब आएंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये आयुष बिल्डिंग है। तो जब कोविड के सैंपल्स वगैरह दिए जा रहे थे तो यहीं पर कलेक्शन होता था सारे सैंपल्स का, ठीक है। तो गाइस ये हम लोग के इधर का वाटर टैंक है, ठीक है, और जिससे हम लोग को कंटिन्यूस 24 आवर वाटर सप्लाई रहती है, और कभी भी शॉर्टेज नहीं होता है वाटर का। तो गाइस ये हम लोग का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और उधर जो देखेंगे तो वहाँ पर पोल्स लगे दोनों तरफ, कि हमारा क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड दोनों कॉमन है। और उसी से आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा। गाइस आपको जो सामने दिख रहा है ये गेट नंबर 6 है, ठीक है। और इधर पर आएंगे तो ये है नर्सिंग वालों का मेस, और उसके बाद ये है नर्सिंग हॉस्टल। गाइस ये जो सामने दिख रहा है ये नर्सिंग हॉस्टल है, ठीक है। गाइस ये हमारा न्यू बास्केटबॉल कोर्ट, ये चंदन है। हाँ तो यहीं पर सब लोग मतलब बास्केटबॉल भी खेलते हैं, और जब बास्केटबॉल जिस टाइम नहीं खेल रहे होते तो उस टाइम पर फुटसॉल भी यहीं पर खेलते हैं, ठीक है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ चल के।
सर चंदन गाइज, ये पूरा हॉस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है ये नर्सिंग हॉस्टल है, और यहाँ पर आएंगे तो ये पीजीज और इंटर्न्स हॉस्टल है। उसके आगे वो जो दिख रहा है वो जिस पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ वो गर्ल्स हॉस्टल है, और वो सबसे कॉर्नर में जहाँ पर अब वो है आरएच है, मींस रेजिडेंस हॉस्टल, ठीक है। तो आपको मैं वहाँ चल के भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं सामने से दो हैंडसम लोग आ रहे हैं। तो गाइस आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये नर्सिंग कॉलेज है, और एम्स रायपुर में केवल गर्ल्स के लिए नर्सिंग होती है, बॉयज़ की नर्सिंग यहाँ पर नहीं होता है नर्सिंग कोर्स, ठीक है। और अगर आपको यहाँ का कट ऑफ जानना है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आप नर्सिंग वाले हो तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। क्या होता है कई बार हम लोग के जो एग्जाम्स होते हैं ना, तो हम लोग की नर्सिंग कॉलेज में हम लोग एग्जाम्स हुआ करते हैं, ठीक है, फाइनल्स वगैरह, ठीक, फाइनल एग्जाम्स तो यहीं पर हुआ करते हैं, और उराना की कुछ कॉम्पिटिशन भी टी टी वगैरह यहाँ पर हुआ करता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो कभी घूमने। गाइस ये जो है ना ये कॉलेज का पार्किंग एरिया है, ठीक है। गाइस हम लोग के कॉलेज का बैक एरिया है, यहीं पर हमारा एक बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, एक बैडमिंटन कोर्ट ये है, और दूसरा हम लोग का कभी नगर भी है, तो कभी नगर वाला और अच्छा है, वो इंडोर है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं कुछ लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे कॉलेज का बेसमेंट एरिया है, ठीक है, और यहीं पर है ये LT4 है, ठीक, जो कि बहुत ही ओकेजनली अगर कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है तभी खुलता है, नहीं तो बाकी ऐसा इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। बाकी LT1, 2, 3 इनका ही यूज़ रहता है। गाइज ये हम लोग के बैचमेट्स हैं, ठीक है, ये दूर दूर से है, नेपाल से आया है, ये है जय जो कि MP से है, ये अर्जुन है केरला से, ये अभी हाय तो कर लो, कैंपस टूर। गाइस ये हॉस्टल एरिया है, और ये जितनी भी आप ड्राइंग्स देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं, अभी उराना के टाइम में हमारा कॉलेज फेस्ट, और ये है स्वागता। और गाइस ये जो देख रहे हो ये हमारी इधर का वॉलीबॉल कोर्ट है, अभी कोई नहीं खेल रहा है लेकिन जनरली खेलते रहते हैं, नाइट में ज़्यादा लोग खेलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइट्स भी हैं तो नाइट में आप खेल सकते हो यहाँ पे। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे कॉलेज में मेन कैंपस में आने के बाद गर्ल्स को फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन बॉयज को सेकेंड ईयर से सिंगल रूम मिलता है। आप ये जो एरिया देख रहे हो ये ओपन जिम एरिया है, और हमारा जो कॉलेज फेस्ट होता है उराना वो इसी एरिया में ही होता है, ठीक है। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये बॉयज हॉस्टल है, ये हम लोग का हॉस्टल है, ठीक है। और इस साइड ये जो देख रहे हो ये RH है, मेनली PGs रहते हैं, लेकिन जो कुछ इंटर्न्स भी यहाँ पर रहते हैं, और जो स्टे के जो MBBS के स्टूडेंट्स रहते हैं बॉयज, तो आकर यहीं RH में पहले रुकते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। गाइज ये RH का ही बॉयज़ का एंट्री पार्ट है, ठीक है, यहाँ से बॉयज़ एंट्री करते हैं। ये हमारा ओल्ड बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर बास्केटबॉल खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं, अब यहाँ पर सब गली क्रिकेट खेलते हैं, और जब कभी भी कुछ हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि दिवाली वगैरह हो गया, गणेश चतुर्थी, तो वो सब कुछ यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और नवरात्रि वगैरह भी, और यहीं पर जब किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी यहीं पर होता है। गाइज़ हम लोग इधर का बॉयज़ हॉस्टल है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर से फाइनल की ईयर के स्टूडेंट्स यहीं रहते हैं, और इंटर्नशिप के टाइम में वो इंटर्न हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल है और बाजू में ये मैस है। गाइज़ हम लोग का मैस है। तो गाइज़ हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं, और अभी उस पार्ट का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी उधर पर रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो यहीं पर हम लोग सारे लोग खाना खाते हैं, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, ये कॉमन मेस है, ये बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसका टूर नहीं करा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें आपको ये डिटेल वीडियो दूंगा बॉयज़ हॉस्टल का के अंदर क्या क्या, ठीक है, तो कमेंट करना आपको अगर ये वीडियो चाहिए हो तो। आप ये वीडियो देखना और इसमें खूब सारा प्यार दिखाना, जिससे आगे भी मैं लॉन्ग वीडियोज़ आप लोग के लिए अपलोड करूँ। और गाइस एक चीज़ और, आप लोग इंस्टा में जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं मेरी इंस्टा आईडी की लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना और मुझे इंस्टा में फॉलो कर लेना, ठीक है।